सो गाइस, आज भी आपको बताऊंगी बच्चों की सर्दी जुकाम खत्म करने का एक नया टिप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है गार्लिक और लहसुन को मैंने छील लिया है अच्छे से। आप देख सकते हो मैंने टोटल 7 गार्लिक लिया है, ना कम लिया है ना ज़्यादा लिया है, 7 गार्लिक लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 तरह का धागा लिया है। इस धागे वाला मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन आज मैं ये कॉटन का धागा का, जो ये देख सकते हो आप मेरे हाथ में है, इससे मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे इस तरह से कैसे बना सकते हो लहसुन की माला। तो गाइस, किसी ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि दी ये जो नॉर्मल धागा है ये चुभेगा या फिर बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से मैं आपको बना के बता देती हूँ। तो ये देखिए, बच्चे बच्चे के गले के साइज़ का आप इतना कट कर लीजिए और एक एक लहसुन आपको लेकर 7 लहसुन होना चाहिए और 7 लहसुन को एक एक करके आपको गांठ मारना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, लेकिन क्या करेंगे, बच्चों की सर्दी जुकाम को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से हो जाता है, ये देख सकते हो आप। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 7 जो गार्लिक है हमारे पास उसको बांधना है, इस तरह से गांठ मारनी है। तो मैं एक एक करके फटाफट से गांठ मार लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट गार्लिक है, लास्ट लहसुन है हमारा, गांठ मार लेती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही मजबूत हो जाता है, ये निकलेगा नहीं और बच्चे भी इससे कंफर्टेबल रहेंगे। इसे आपको लूज़ रखना है ताकि बच्चों की छाती तक का आराम से पहुंच जाए और जो भी सर्दी जुकाम है वो सोख ले, जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से माला बनकर तैयार हो गई है। आपको इसको हमेशा बच्चे के गले में डालकर रखना है और लूज़ ही रखना है गाइस, टाइट बिल्कुल नहीं करना है। और आपको ये कंफर्टेबल लगेगा धागा। और इससे मैंने इस वाले धागे के लेकर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और ये देखो, बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हो गया है। इससे बच्चे की सर्दी जुकाम नहीं होगी गाइस और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा, आप इसको बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए गाइस। वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।